यस सर हेलो बाकी है ना सामने हां ये पूरा ये हां ये घर आगे मत जा ये लोग भाग रहे हैं कटप्पा सामने एक नंबर धक्का करना अपना ही क्या नहीं नहीं अरे ओके आ गया इसमें स्मूथ में भी है माफ कर अरे सर यार जाना है भाई नीचे से लेना बापू क्या खबर अरे रुको जरा भाई तो हो जाएगा ना रेडी वापस बोलो की बात होती है तो क्या कुछ जहन में आता है आपके एंड कितने एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हम हर साल आपको देखते हैं कि अलग ही एनर्जी के साथ आप आईफा में एंट्री करते हैं। जी आईफा मेरे लिए एक ऐसा मौका है जब मैं अपने परिवार के सदस्य को मिल सकता हूँ। जब मैं कहता हूँ कि परिवार के सदस्य तो मेरी जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है आप सब मीडिया के जो मेरे दोस्त हैं मीडिया में हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में हैं और जो बिहाइंड द स्टेज और ऑन द स्टेज जितने भी लोग हैं तो उनसे मुझे मिलने का मौका मिलता है क्योंकि यही एक ऐसा अवार्ड है जहां सब मिलजुल कर ट्रैवल करते हैं और ये जर्नी हर साल होती है। और मैं आईएफए का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने हमेशा हम सब को फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को वो मौका दिया है जब हम सब मिलकर अपने फिल्मों के द्वारा और अपने पर्सनली जाकर अपने फैन से मिल सके। तो मेरे लिए हमेशा ये समय जब आईफा आता है और मैं काफ़ी सालों से मेरे ख्याल से बिगनिंग से आईफा के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मेरे लिए ये हमेशा एक खुशी का मौका होता है। तो इस साल कोई ऐसी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है आपकी कुछ धमाका करने की या कोई ऐसा आपने सोचा है? मैं देखिए इसी क्या होता है कि प्रिपेयर और मेहनत तो करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो कोई भी चीज़ जो भी करते हैं तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत मुझे लगता है कि जो आईफा जिन्होंने शुरू किया है इवराफ सबा साहब और आंद्रे साहब जो आईफा के करता धरता हैं और उनकी जो पूरी टीम है जिस तरह वो मेहनत करती है और जिस तरह ये ऑर्गेनाइज करती है तो असली मेहनत तो वो करते हैं। हम कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत और एंड ऑब्वियसली प्रिपेयर तो करना पड़ता है। तो कुछ ना कुछ हम प्लान करते हैं जो हमने सबने प्लान किया हुआ है। हमें एक स्क्रिप्ट दी जाती है फिर हम अपना इनपुट देते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं जो मिलजुल के काम होता है। तो काफ़ी सरप्राइजेस हैं मेरे अलावा। मेरे ख्याल से मैं तो कह सकते हैं कि हमेशा रहता ही हूँ और कुछ ऐसे कलाकार हैं जो पहली बार आईफा में आ रहे हैं और मैं उनका मुझे लगता है कि मैं उनसे मिलने के लिए बेचैन हूँ। और मेरे ख्याल से इवन जो ऑडियंस होगी जो टेलीविज़न पे ये शो देखी और जो बैंकॉक में होंगे वो उन्हें देखने के लिए बेचैन। और बाकी तो बड़े बड़े जो कलाकार हैं स्टार्स हैं जो हमेशा जिनको दुनिया चाहती है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अनिल सर अगर पिछले साल की फिल्मों की बात करें तो आपकी देखिए मैंने ज़्यादा फिल्में देखी नहीं मगर मैंने कुछ फिल्में देखी क्योंकि क्या होता है कि इस साल लास्ट ईयर मैं अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि मैं ज़्यादा फिल्में देख नहीं सका मगर कुछ फिल्में देखी हैं जो मुझे बहुत पसंद आई और मैंने पूरी फिल्में देख नहीं सका तो मैंने कुछ हिस्से देखे हैं फिल्मों के और बहुत ही बेहतर लगे हैं। कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जो जिनके हिस्से बड़े बढ़िया थे मगर वो फिल्म चली नहीं जैसे कि जग्गा जासूस है वो फिल्म चली नहीं मगर उसके कुछ हिस्से मुझे पसंद आए और मुझे उसमें रणवीर का काम बहुत पसंद आया मगर वो फिल्म बिल्कुल नहीं चली लोगों को वो फिल्म याद ही नहीं है। तो ऐसा होता है मेरी भी करियर में ऐसी फिल्में हैं और कुछ फिल्में हैं जो बहुत चली और मुझे लगा कि क्यों चली मगर ये ये दिस इज़ शो बिजनेस, यू डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, सो बहुत सी फिल्में हैं जो अच्छी हैं। तो मैं स्पेसिफिकली जैसे कि मैंने कहा कि थोड़े थोड़े मैंने हिस्से दिए हैं, तो मैं आई विल नॉट बी 100% कहना कि यही मुझे फिल्म और ये 2-3 फिल्में पसंद आई हैं। तो दूसरी फिल्में जो और बेहतर फिल्में जो मैंने नहीं देखी, तो उसके लिए मुझे लगता है कि मैं अपना ये ओपिनियन अपने पास ही रखूँ तो बेटर है इस साल डेफिनेटली। आपकी फिल्म की बात करें तो रेस 3 का काफ़ी बाल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, आपका लुक सबका सामने आया है। आई थिंक योर पार्ट ऑफ द शूटिंग इज डन एंड लास्ट शेड्यूल इज गोइंग ऑन, सो हाउ इज इट बिल्डिंग अप? अभी ईद पर रिलीज होने वाली है। हाँ, जून ईद पर रिलीज़ हो रही है और ये फिल्म जो है सलमान साहब प्रोड्यूस कर रहे हैं रमेश तौरानी के साथ। तो ये बहुत ही दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्रोड्यूसर्स हैं और इस फिल्म में सलमान ने बहुत बहुत दिल खोल कर चीज़ें की हैं। और मुझे लगता है कि ये जब आप लोग ये फिल्म देखेंगे ईद पर तो लोगों को लगेगा नहीं यार ये मज़ा आ गया है इसमें बात, क्योंकि दिल से बनाई ये फिल्म सलमान साहब ने। सलमान के साथ स्क्रीन स्पेस यू आर शेयरिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक आफ्टर नो एंट्री के बाद हम आपको वापस देखेंगे, तो कैसा था एक्सपीरियंस वर्किंग विद सी सलमान के साथ? तो हमेशा मैंने मेरे ख्याल से मैक्सिमम काम एज एन एक्टर मैंने काफ़ी किया। मैं जब गिन रहा था मैं 4-5 फिल्में की हैं और ज़्यादातर फिल्में लोगों को पसंद आई हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फिल्म भी लोगों को पसंद आए। सलमान साहब के साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब काम करता हूँ तो ऐसा लगता नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ। It's more of having a positive energies जो हैं वो बड़ी positive रहती हैं। तो मेहनत भी करते हैं, काम भी करते हैं और थोड़ा हंसी मजाक भी चलता रहता है। तो मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा एटमॉस्फेयर होता है तो फिल्में अच्छी बनती हैं, इंटरटेनिंग बनती हैं। तो ये फिल्म ज़रूर आप लोगों को एंटरटेन करेगी। इसके अलावा अनिल जी, हम देख रहे हैं इन दिनों आपका जो घर है वो लाइटिंग से काफ़ी चकाचौंध है। हाँ, काफ़ी सहनाई भी बचने वाली है, तो कुछ बताएंगे आप कैसी? सही समय पे, सही वक्त पे, जैसे कि आपने कहा कि आप लोग हमेशा स्पेशली मीडिया, हम मेरे करियर में, हमारे पूरे परिवार के करियर में, मेरे फादर ने जब से अपना करियर शुरू किया, हम 60 साल से इस इंडस्ट्री में, तो हमेशा साथ दिया है। और सही वक्त पे हम सब चीज़ें, कोई चीज़ आपको बता देंगे कि कब किस वक्त, सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे और बहुत जल्दी आपको पता चलेगा कि क्यों लाइटें हैं और क्यों शहनाई हैं बजाई। डेट को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, आपको सब मेरे ख्याल से बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हम नहीं छुपाएंगे, सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। सो हम ऐसा माने कि एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। अभी आईफा की बात ज़्यादा करें तो बेहतर है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। Sir, right. सर थोड़ा सीधे नहीं, ये थाम रहे जरा। मेरे जूते अच्छे हैं। अरे कड़ा कड़ा जाला फोटो पेट अंदर करो। पीट है सर। पेटम पाई। थैंक यू सर। चलो चलो सर दरवाजा बोले। चलो रोले सबका। अरे बाप रे इतने प्रेस वाले क्या? सर आप हैं तो हम हैं। चलिए सर सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब आईफा की बात होती है सर आपने वोटिंग की कितने एक्साइटेड होते हैं आईफा को लेकर एंड क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो मेरा जो सबसे बड़ा एक्साइटमेंट है कि मुझे आज तक आईफा अवार्ड मिला नहीं है 2-3 बार। इस बार आईरिश अरे पहले तो इस बार मुझे नॉमिनेट होना चाहिए बट यस मैं आईफा को बहुत मानता हूँ बिकॉज यहाँ पूरी इंडस्ट्री को मौका मिलता है इसको आके वोट करने के लिए हर फिल्म के लिए अपनी फेवरेट फिल्म्स के लिए एंड फिर उसके बाद मुझे लगता है पब्लिक वोटिंग भी होती है तो आई थिंक इट्स क्वाइट जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग और फिर हमेशा अच्छे एक्जॉटिक लोकेशंस में आईफा होता है तो एवरीवन लुक्स फॉरवर्ड एक बहुत बॉन्डिंग होती है फिल्म इंडस्ट्री की सब लोग इकट्ठा जाते हैं रियली एंजॉय देमसेल्व्स सो आई थिंक इट्स ग्रेट फन। सर इस बार के लोकेशन को लेकर आप एक्साइटेड हैं? बैंकॉक वाह वाह कौन एक्साइट नहीं होगा। खाना इतना बढ़िया है बैंकॉक में और भी बहुत सी चीज़ें हैं वहाँ करने के लिए शॉपिंग भी है एंड लॉट्स मोर थिंग्स लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट तो आई थिंक और मैं सबसे कहता हूँ कि आप लोग ये टीवी पे अवार्ड्स देखते हैं लेकिन अगर मौका मिले तो जैसे क्रिकेट मैच स्टेडियम में आप जाके देखो तो कितना मज़ा आता है। आई थिंक गोइंग टू सी एन अवार्ड फंक्शन लाइव is very exciting so please all go and watch it in इसके Thailand। सर हमने देखा कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का पोस्टर आ चुका है आप बताइए कि आपका क्या रिएक्शन जब आपने देखा क्योंकि हमने देखा था कि पहले ये सवाल सर आप ज्यादा क्या? हाँ मैं बहुत एक्साइटेड था मुझे पता था कि वो पिक्चर कर रही है इनफैक्ट वो गई थी उसके लिए उसने ऑडिशन किया था पिछले साल एंड आई थिंक उन्होंने कुछ 1000 लड़कियाँ ऑडिशन की एंड शी गॉट सिलेक्टेड सो आई एम वेरी लकी और बस अब I think people should like her in the movie and like the movie और picture चले I think that is most important। आप अपने तरफ से tips देते हैं कि बेटा इस तरह से आप बताइए आपकी तरफ से कुछ tips देते हैं आप अनन्या जी को? मैं देखो मैं उसको confuse नहीं करना चाहता हूँ and वो जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है और she is with such a big banner धर्मा फिल्म्स इतने अच्छे हाथों में है वो so I think वही सब उसको अच्छी तरह ट्रेन करके ग्रूम करेंगे। मुझे कोई कंट्रीब्यूशन मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। Did you have a word with Karan Johar regarding the film about how it's going to go like and then other things? No, I have not spoken to Karan yet about it। Okay। Really, I have not। मैं मिला हूँ उसको 1-2 बार इसके पहले लेकिन फिल्म लॉन्च होने के बाद नहीं मिला हूँ उनसे तो मुझे मौका ही नहीं मिला उनसे कुछ कहने के लिए। मम्मा मिया ये हुई ना बात। बहुत बहुत आई मीन ये साजिद खान आ गए वापस तो माय फेवरेट डायरेक्टर एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक टू मच फन और ये इस बार जो कहानी है इट्स अबाउट पुनर्जन्म सो इट्स गोइंग टू बी लाइक समथिंग एल्स ऑल टुगेदर। सर ऐसा लोग बातें करते हैं कि क्या आप अपने जो फिल्मों का जो डिमांड होगी रेट अब बढ़ा देंगे आप मींस अपने प्राइस बढ़ा देंगे आप? हाँ मैं अभी 1 रुपया लेता हूँ 2 रुपये लेने Okay। मैं कभी पैसों के बारे में नहीं सोचता हूँ व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स बिकॉज यू नो आप कितना भी पैसा कमाओ वो आपको इधर ही छोड़ के जाना पड़ेगा लेकिन जब आप अच्छी फिल्म करते हो तो 1000 साल बाद भी लोग उस फिल्म को देखेंगे सो आई थिंक एन एक्टर फॉर द बिगेस्ट थिंग एक्टर हमेशा रहता है लिव्स फॉर एवर लाइक श्रीदेवी जी चली गई है लेकिन हर बॉडी ऑफ वर्क वी विल ऑलवेज नो हर एंड रिमेंबर हर वेरी फॉन्डली सो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर। आपके सन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा नेफ्यू बट मेरे बेटे की तरह है आहान पांडे बहुत ही पॉपुलर है इस वक्त इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे और मैं जहाँ भी जाता हूँ इनफैक्ट यंग गर्ल्स मुझे आके बोलते अंकल अंकल प्लीज़ मिलाना मुझे आहान से सो ही इज़ क्वाइट पॉपुलर एंड बहुत जल्दी उनका भी अनाउंसमेंट आने वाला है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग बॉय। उनका भी ऐसा धर्मा प्रोडक्शन में अनाउंसमेंट होगा या आप बताइए कुछ? नहीं उनका कहीं और होने वाला है। आई थिंक सो मुझे मैं बात नहीं कर सकता हूँ इसके बारे में बट शायद अच्छा ही अनाउंसमेंट आने वाला होगा। क्योंकि आपने कहा जहाँ भी आप जाते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि आप उनसे हमें मिला दीजिए क्योंकि आप भी एक अच्छे सुपरस्टार एक्टर हैं कुछ ऐसी जलन फील होती है उनके बारे में लोग ज़्यादा बातें करते हैं? नहीं जब आपके बच्चे आप कामयाब हो जाए आई थिंक फॉर एनी पेरेंट इट इज़ द बेस्ट फीलिंग। मुझे याद है 32 साल पहले मेरे पिताजी ही वॉज अ वेरी फेमस हार्ट सर्जन और दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में गए थे वो, और जब उनका इंट्रोडक्शन होने वाला था, आई मीन ही वॉज डॉक्टर शरद पांडे, वेरी फेमस हार्ट सर्जन, बट ही वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड as this is Dr. Pandey, heart surgeon, and he is also Chunky Pandey's father. And my father was so excited. उन्होंने मुझे STD कॉल किया था, मुझे याद है दिल्ली से, और कहा you know they actually said this in a conference, so he was so excited about it. और मुझे भी वही feeling हो रही जब अनन्या और आहान के बारे में लोग बात करते हैं. I think it's a great feeling. क्योंकि हर एक जो मैं नहीं कर पाया लाइफ में मेरे बच्चे करेंगे जी, क्योंकि हर एक डैडी, क्योंकि आपने ये बताया कि मैं जो नहीं कर पाया लाइफ में, हर एक डैडी चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सुपरस्टार बने. तो आप मानते हैं कि इन जो आप ये जो काम कर रहे हैं ये इनका पहली सीढ़ी है सुपरस्टार की तरफ, या उस तरफ ये बढ़ रहे हैं, आप मानते हैं बच्चे? वो जो भी करे सही करे, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ लक की ज़रूरत पड़ती है. एंड बस लेट्स सी, इट्स ऑल अबाउट देम बीइंग एक्सेप्टेड एज एक्टर्स, गुड एक्टर्स एंड स्टार्स. हो गया, थैंक यू. मैं चलूँ, कुछ खाना मिलेगा क्या? सर एक मिनट, सर फ्यू सेकंड्स यहाँ पे ये पोस्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट एंड राइट या ट्रॉफी तो अभी ट्रॉफी तो मेरे को मिली नहीं है, मैं ट्रॉफी के साथ क्यों लूँ फोटो? बोल तो मैं घर ले ये साला भारी है यार, 2 जन लगेंगे इसको उठाने में. नाइस, ये तबला बजा लो. एक अप्रिसिएशन होता है, विनिंग एन अवार्ड एक इंकरेजमेंट होता है. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग. और ये जो भी अवार्ड फंक्शंस होते हैं, मोर ऑफ सेलिब्रेशन. ये सक्सेसफुल फिल्म बनी है, ये सेलिब्रेटेड. ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय. ऐ शाबा, ऐ मेरे बाल ऐसे कैसे हुए? टेढ़े मेढ़े हो गए ना मेरे बाल? नहीं सर, अच्छे लग रहे हैं ये सर, फैशन है. नहीं नहीं, वो बल्स किए थे ना बाल, तो ऐसे ऐसे उगने लगे. ओके, बाय, थैंक्स. चलो चलो, खाना खिलाओ. सेंटर में. थैंक यू, थैंक यू. Squeeze me, huh? अरे ठीक है ना, अरे तू थोड़ा आगे जा. जल्दी रोल कर. अरे रुक रहे हैं, रोल यार. रोल है, कैमरा मैन की क्या ओके शाहिद जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे जब आईफा की बात होती है तो क्या कुछ जहन में आता है आपके? हम देखते हैं कि हर साल आप एक ग्रैंड एंट्री करते हैं, तो इस बार बताइए। जी, आईफा के साथ हमेशा एक्सपीरियंस अलग रहा है एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट आईफा। आईफा हर साल एक नई जगह पे जाता है एंड द एक्सपीरियंस दैट यू हैव इज़ ऑलवेज डिफरेंट, इट्स नेवर द सेम। द ऑडियंस इज़ डिफरेंट, द वेन्यू इज़ यूजुअली डिफरेंट, so the entire energy is different. It's not like usual award functions जहाँ आप एक ही जगह पे जाते हो और आपको आदत हो गई, you know, it doesn't feel that way. I think मेरी relationship आइफा के साथ काफ़ी लंबी रही है। मैंने उनके साथ होस्ट किया है कई साल, आई थिंक 3-4 साल होस्ट किया है, कई बार परफॉर्म किया है। तो हर साल कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में वो मुझे हमेशा बुलाते हैं। आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू द एंटायर विस्क्राफ्ट टीम फॉर दैट। दे ऑलवेज बीन वेरी नाइस एंड वेरी वार्म एंड लाइक अ फैमिली, लाइक I've always said. So this year is going to be more exciting than the last. I can very confidently say that every IFA that I've gone to, I have felt that it was better than the previous one. So I'm looking forward to a really good time. And शायद इस बार का जो venue है वो बैंकॉक है। अच्छा, ये कब decide हुआ? क्या आप बात कर रहे हो? मतलब आपको पता है, मुझे बताया नहीं किसी ने। है क्या? मैं बता देता हूँ। वही है? Sure है? हाँ जी। तो क्या याद आता है जब बैंकॉक की बात होती है? तो पता ही नहीं था यार। टाइम दे दो प्रिपेयर करने के लिए जवाब। मुझे तो पूरा वर्ल्ड अच्छा लगता है, कहीं भी ले जाओ, आई लव इट। तो जहाँ भी रखेंगे आईफा, आई एम वेरी हैप्पी। शायद I'm from a US based radio station, मेरा संगीत, so you have been a part of USA IFA. So how did the energy of USA's audience transpire into you? Performing and well, we were in Tampa. We were in Tampa when we performed for IFA. I think that was 2 or 3 years back. 2014. Yeah. So it's been 4 years. Life passes by faster than you think. Abey ruk ja bhai. Dhanyawad. So I think the venue was amazing. Tampa was one of my favorite IFAs. बहुत बड़ा venue था, बहुत बड़ी audience थी. बहुत सारा प्यार मिला उस दिन एंड देयर वर सम अमेजिंग पीपल देयर। ऑफ कोर्स द एंटायर फिल्म फ्रेटर्निटी फ्रॉम इंडिया वाज देयर, बट देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ हॉलीवुड सेलिब्रिटीज एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन विद देम, लाइक वी डिड द लुंगी डांस एंड जॉन ट्रेवोल्टा केम अप ऑन स्टेज एंड डांस्ड अ बिट, सो दैट वाज अ रियली फन नाइट। आई हैड अ लॉट ऑफ फन दैट टाइम। शायद इस बार आप परफॉर्म कर रहे हैं या होस्ट कर रहे हैं? उसको पूछने दे कितने साल हो गए। शायद आपकी जो फिल्म आने वाली है 32 मीटर शुरू, उसको लेकर ऐसी अफवाह की चर्चाएं। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आप सवाल जल्दी से पूछ। ऑल इज गुड, शूटिंग शुरू हो रही है, टेंशन मत लो। अच्छा, एक और चीज़ की साउथ में एक फिल्म काफ़ी हिट हुई है अर्जुन रेड्डी, उसकी रीमेक आप करने वाले हैं? जी जी, मैंने भी सुना कुछ क्या मतलब अच्छी पिक्चर है अर्जुन रेड्डी, बहुत अच्छी, मैंने देखी है, आई लव्ड इट। बहुत अच्छा, हाँ मतलब मैंने भी सुना है। मैं कह ही ऑल्सो थिंक्स आई एम द राइट चॉइस, फिर तो सोचना पड़ेगा सीरियसली। मतलब यू थिंक करनी चाहिए। अरे पहले मुझे ये तो अभी डिजेस्ट कर लूँ कि मुझे ऑफर होने वाली है और मैं करने वाला हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड दैट इट माइट कम टू मी and that I might do it. So there are talks happening. Yeah, you'll hear an official announcement if anything happens. शायद सवाल था कि आप होस्ट करने वाले हैं या नहीं? मैं परफॉर्म करने वाला हूँ इस साल, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ। Guys, congratulations once again for being a would-be father yet again. Yeah. So how's that feeling? It's feeling really good. There's still time. This is the second time, so it doesn't feel new. The first time it felt very new, but it's always very exciting, and we are really looking forward to having another member in the family. It's an amazing feeling. And nowadays, life has become really material. So, what's your suggestion? One last question. What's your suggestion to the fathers who are really busy and are not able to take time out for the kids? What would you? What would you suggest to them? Are you a father? No, not yet. शादी नहीं हुई? नहीं, शादी हो गई है। शादी का बच्चा नहीं हुआ है। सब समझ आ जाएगा। शाहिद जी, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहेंगे कि नन्हा फरिश्ता आने वाला है आपके घर में, तो कैसे चले तैयारियाँ? मतलब अबे आईफा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेटा, उसमें 4-5 महीने 6 महीने बचे हैं। ये सवाल फिर से पूछेगा तू तब मुझसे। आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और मैंने बता दिया, इसका मतलब ये नहीं कि यार तुम सवाल ही पूछते रहे उसको लेके, इससे ज़्यादा क्या एक्सप्लेन करूँ मैं। आपने येलो शर्ट पहनी है, कैसी रही तैयारी, कैसा फील हो रहा है आपको येलो शर्ट पहन? Like we said, it's not happening this year, and we'll probably work on something else. Something else. Yeah. Thank you. Thank you.